नदीन हमारे साथ शबीर गुजर साहब के बड़े भाई मौजूद हैं, ये शहबाज शरीफ के अगेंस्ट भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके जज्बात आज कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के दिन आपका जज्बा कैसा है? लोगों का जज्बा तो दीदनी है। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था कि इस हुकूमत को, वॉशरूम की पार्टी को फारग कर दिया लोगों ने, तो इंशाल्लाह लोगों ने साबित कर दिया कि ये फारग हो चुकी है नून लीग। और धांधली के बावजूद सुना है कि बहुत बड़ी लीड से जीत रहे हैं। देखो, पुलिस ने जितनी गुंडागर्दी की हमारे कैंपों पे नजीर चौहान के साथ, और दूसरा कि उसके बावजूद भी हम इंशाल्लाह लीड से जीते हैं। लीड क्या है कि उसको फर्क कर दिया सड़के से, और ये हल्कों वालों ने उसकी नस्ल की सियासत खत्म कर दी। अब क्या समझते हैं कि तख्ते लाहौर नून लीग की झोली से पीटीआई की झोली में आ चुका है? आप क्या समझते हैं इस चेंज की बड़ी वजह क्या बनी? बड़ी वजह खान साहब है और वजहदारी है। देखो, आपको पता ये लुटे हैं और इनका जमीर मर गया, और ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल लेके भागे हैं, और इंशाल्लाह इस कौम इसको माफी नहीं देगी, कौम इसको माफ नहीं करेगी। इंतजामिया और पुलिस का रवैया आज सारा दिन आप लोगों के साथ कैसा रहा? यार वो ये पार्टी ऐसी है और ये गंदे लोग हैं, आपको पता है, और जिन्हें गंद मचाना था। मैंने तो आपको पहले बोला था ये पुलिस का रवैया, देखो अभी तक गाड़ियों की तलाशी ले रही है हमारी, हमने कौन सा इनके साथ अपना कोई जाति तो नहीं किया आज तक, इन्होंने हमारे साथ अभी तक हमारे 10-15 कारतून पकड़े हुए हैं, इन्होंने ये छोड़ नहीं रहे। चलो इंशाल्लाह इनका सामना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।